एंड वेलकम, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो आई वेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान ने क्यों कहा कैटरीना है मेरी सिस्टर इन लॉ। करीना ने एक बार फिर कहा रणबीर और कैटरीना के रिलेशनशिप की बात को किया कंफर्म। फिल्म श्रुति की स्टोरी लाइन की डिटेल्स खुद करण जौहर बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। उदय चोपड़ा ने नरगिस फाखरी के साथ अपने रिलेशनशिप की खबरों पर जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। शाहरुख खान ने चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल के बनने की खबरों से क्यों किया इनकार। दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर के बारे में मीडिया से बात करने से क्यों किया इनकार। बताएंगे रणबीर कपूर किस फिल्म में बिग बी के साथ आएंगे नजर। और साथ ही दिखाएंगे फिल्म जैकपॉट के स्टार सनी लियोनी और सचिन जोशी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। सलमान खान ने जय हो के फर्स्ट थिएट्रिकल लॉन्च इवेंट पर किए कई बड़े धमाके, लेकिन इन धमाकों में जो सबसे बड़ा धमाका सलमान खान ने कटरीना कैफ के साथ अपने रिश्ते को लेकर किया, उसने सबको चौंका कर रख दिया। आप भी देखिए ऐसा क्या कहा सलमान खान ने। अगर मैंने कुछ किया तो उसको सिर्फ बिगाड़ने की कोशिश की है, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लगा, स्पेशली आप लोगों को, स्पेशली आप लोगों को। मीडिया पर उंगली उठाने का ये काम सलमान खान ने किया है जय हो के फर्स्ट लुक लॉन्च के मौके पर, जहां सलमान ने अपने साथ हुई तमाम अच्छी बातों का क्रेडिट भले ही ऊपर वाले को दिया हो, पर उनकी बुराई ढूंढने और उसका ढोल पीटने का पूरा क्रेडिट मीडिया को दे दिया। जो जो फिल्में मैंने की वो हिट हुई और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं। अब इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, अगर मैंने कुछ किया तो इसको सिर्फ बिगाड़ने की कोशिश की है, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लगा, स्पेशली आप लोगों को। जी हां, यही है सलमान खान की अपकमिंग फिल्म जय हो के फर्स्ट लुक लॉन्च के इवेंट का सबसे बड़ा अपडेट। सलमान सिर्फ मीडिया के सामने नहीं थे, बल्कि सलमान ने मीडिया के अलावा एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट से चुने गए 200 फैंस को भी अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक देखने के लिए बुलाया था। तो ऐसा कैसे हो जाता कि सलमान भाई मीडिया की किसी भी गुस्ताखी को बर्दाश्त कर लेते। हालांकि मीडिया की क्या मजाल कि वो बॉलीवुड के सबसे दबंग खान के सामने कोई बदतमीजी कर दे, पर लगता है फैंस की मौजूदगी की वजह से सलमान एक बार फिर थोड़े पार्शियल हो गए और सजा दे दी मीडिया को। एक मान मर्यादा संस्कृति, जिसने पूछा कि संस्कृति मान मर्यादा संस्कृति ये सब आप में कूट कूट के भरी है ना, ये शायद ये आपके माता पिता ने आपको ये सिखाया होगा, करेक्ट? यस ना। दरअसल सलमान ने मीडिया की ऐसी जबरदस्त खिंचाई सिर्फ इसीलिए कर डाली क्योंकि मीडिया ने करण के शो पर करीना की कही हुई बातों पर सलमान से उनकी राय जानने की गुस्ताखी की थी। पिछला एपिसोड था जहाँ पे करीना कपूर और रणबीर आए थे, वहाँ पे करीना ने कटरीना को एज सिस्टर इन लॉ एड्रेस किया और उन्हें कहा कि अगर कभी उनकी शादी हुई तो और जय हो से इसका चिकनी चमेली पे नाचना चाहेंगी। कभी अगर आपको कटरीना की शादी में डांस करना पड़े, अगर करीना कपूर की सिस्टर इन लॉ होगी तो मेरी भी सिस्टर इन लॉ होगी यार, तो मेरी भी सिस्टर इन लॉ होगी यार। अगर कटरीना करीना की सिस्टर इन लॉ होंगी तो सलमान कह रहे हैं कि कटरीना उनकी भी सिस्टर इन लॉ होंगी। इतना कहते ही सलमान खुद अपने ही बनाए जाल में फंस गए क्योंकि ये मीडिया और फैंस के साथ सलमान का लाइव इंटरेक्शन था, कोई रिकॉर्डेड शो नहीं जिसमें उनकी कही हुई बात को कट कर दिया जाए या फिर कोई रीटेक हो जाए। बस लगता है गलती से कटरीना को अपनी सिस्टर इन लॉ बताने वाली बात पर सलमान को कुछ ऐसा रिग्रेट फील हुआ कि उन्होंने इसका बदला मीडिया की बैंड बजा कर ले लिया। एक मान मर्यादा संस्कृति, जिसने पूछा कि संस्कृति मान मर्यादा ये सब आप में कूट कूट के भरी है ना, ये शायद ये आपके माता पिता ने आपको ये सिखाया होगा, करेक्ट? यस ना। किसने किसको क्या सिखाया इसका जिक्र जब खुद सलमान ने छेड़ ही दिया है तो उनसे ये सवाल तो बनता ही है कि उन्होंने करण के शो पर जो कहा था वो उन्हें आखिर किसने सिखाया। पर इस इवेंट पर जब सलमान रामलीला से लेकर आर राजकुमार का मजाक बनाते रहे तो वो उन्हें किसने सिखाया? थ्री गुड फिल्म्स इन अ रो, रामलीला, इवन राजकुमार मेकिंग गुड मनी एट द बॉक्स ऑफिस, नाउ जय हो, ग्रेट टाइम फॉर एरोस। अगर ये दो नाम लिए तो आई होप ये गुड फिल्म की कैटेगरी में ना हो। इतना ही नहीं,
मीडिया की जिन बातों को पूछने पर सलमान खान बिगड़ जाते हैं, उन्हीं बातों को सलमान बड़े मजे लेकर बताते हैं। अब सलमान खान के इस डिसीजन को ही ले लीजिए, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म का टाइटल मेंटल से बदलकर जय हो रख लिया। इसकी सलमान ने कुछ ऐसी वजह बताई है। मेंटल एक वर्किंग टाइटल था, अब एक रहे इंटेलिजेंट खान, एक रहे बादशाह खान, एक रहे सैफ अली खान। काय को आपको, आप में से कुछ एक आदि ऐसे जर्नलिस्ट होंगे जो कि शायद मेंटल खान बुलाएं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी के जितने भी खान हैं वो सब अपसेट हो जाएंगे। यानी लगता है सलमान खान अपने मुंह से जो चाहें कह सकते हैं, करण के शो में भी और करण के शो के बाहर भी, अपने शो में भी और अपने शो के बाहर भी। लेकिन अगर वही बातें मीडिया पूछ ले तो आगे हम नहीं कहेंगे, आप खुद ही समझ जाइए। अगर मैंने कुछ किया है तो उसको सिर्फ बिगाड़ने की कोशिश की है, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लगा, स्पेशली आप लोगों को, स्पेशली आप लोगों को। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। रिसेंटली एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने करीना कपूर के उन सारे बयानों को मजाक का नाम दे दिया जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर और उनके रिश्ते की बात की थी। लेकिन करीना कपूर अब भी करण के शो पर दिए गए अपने बयानों को सच बता रही हैं। आप भी सुनिए क्या कहना है करीना का। कटरीना कैफ भले ही करण जौहर के शो में करीना के दिए गए इन बयानों को मजाक बना रही हैं, लेकिन करीना खुद अपने इन बयानों पर अब भी कायम है। करीना का साफ साफ कहना है कि उन्होंने करण के शो पर जो भी कुछ कहा था वो उन्होंने अपने दिल से कहा था। आई थिंक जो दिल में था वो बोल दिया है एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। वेल, करीना अभी भी अपने पुराने सिस्टर इन लॉ वाले बयान पर कायम है। यही नहीं, करीना का तो साफ साफ कहना है कि रणबीर और कटरीना ने प्यार किया है और इसमें कोई गुनाह नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग एंड ऑब्वियसली इट्स अप टू देम व्हेनेवर दे वांट एंड आई जस्ट सेड दैट मैं दोनों को बहुत पसंद करती हूँ, रणबीर को भी और कटरीना को भी, एंड साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई डोंट थिंक प्यार करना कोई गुनाह तो थोड़ी है। वेल, कटरीना आपकी सिस्टर इन लॉ तो हर उस बात को सच बता रही हैं जिसे आपने मजाक का नाम दे दिया था। करीना एंड रणबीर आर कजिन्स, सो Everyone knows when you go on coffee with Karan, you're meant to pull the other person's leg. वैसे करीना कपूर के कॉफी विद करण में किए गए कन्फेशन के बाद कहा जा रहा था कि ऋषि कपूर उनसे नाराज हो गए हैं और इस पर अब करीना का ये कहना है। नहीं, ये सब मीडिया की बातें हैं कि नाराज है, ये हो रही है। अच्छा लगता है यू नो न्यूज में कुछ कहना, बट आई डोंट थिंक सो। जो भी है पूछ के बोला है, तो आई एम नॉट दैट, आई एम क्वाइट रिस्पॉन्सिबल। साथ ही करीना ने रणबीर कपूर की नाराजगी के सवालों पर भी अपना रिएक्शन देते हुए ये कहा। मैं उनकी बड़ी बहन हूँ, तो ही डजंट हैव अ राइट टू बी एंग्री विद मी। वेल, करीना ना तो रणबीर और ना ही ऋषि कपूर आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान रखिए कहीं आपकी सिस्टर इन लॉ कटरीना को आपकी मीडिया में कही गई ये बातें नाराज ना कर दें। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग एंड ऑब्वियसली इट्स अप टू देम व्हेनेवर दे वांट एंड आई जस्ट सेड दैट मैं दोनों को बहुत पसंद करती हूँ, रणबीर को भी और कटरीना को भी, एंड साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई डोंट थिंक प्यार करना कोई गुनाह तो थोड़ी है। सलमा खान, Zoom, मुंबई। करण जौहर की मच टॉक्ड अबाउट ऋतिक करीना स्टार फिल्म शुद्धि की कोई भी डिटेल्स अब तक मीडिया के सामने नहीं आई है, लेकिन आज Zoom पर हम आपको इस फिल्म की कहानी की कुछ खास डिटेल्स बताने जा रहे हैं। गो टेक अ लुक। ऋतिक रोशन करीना कपूर स्टारर फिल्म शुद्धि की हर एक डिटेल को करण जौहर अंडर रैप्स रखना चाहते हैं। यही वजह है कि फिल्म की स्टोरी से रिलेटेड किसी भी तरह की न्यूज अब तक मीडिया में नहीं आई है। इस फिल्म के बारे में सिर्फ अब तक फैंस को इतना पता है कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन और करीना कपूर नजर आने वाले हैं। लेकिन आज Zoom पर हम आपको बताने जा रहे हैं इस फिल्म की एक खास डिटेल। फिल्म शुद्धि को अग्निपथ के डायरेक्टर करण मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फिल्म भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, लेकिन Zoom के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए करण जौहर ने रिवील कर दिया है कि शुद्धि एक रोमांटिक फिल्म होगी। शुद्धि रीइंकार्नेशन लव स्टोरी है, रीइंकार्नेशन है तो वहाँ एक नहीं दो रोमांटिक स्टोरी। जी हाँ, करण ने एक्सक्लूसिवली Zoom के बूम पर इस बात की कॉन्फर्मेशन दी है कि इस फिल्म में दो लव स्टोरीज नजर आएंगे। वैसे इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने को लेकर भी अब तक कई तरह की न्यूज मीडिया में सामने आई है। ऐसे में हमने करण
से जानने की कोशिश की कि कब तक इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। थोड़ी बहुत हम प्री प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक डेफिनेटली कुछ महीनों में शुरू हो जाएगी। साथ ही करण जौहर ने यहाँ बताया कैसे बॉलीवुड में फिर से रोमांस का सीजन वापस आ रहा है। आई थिंक इंटेंस लव स्टोरीज अभी बनने वाली है। आई थिंक इस साल कुछ अलग किस्म की प्रेम कहानियाँ बनी हैं। इंटेंस लव स्टोरी डेफिनेटली आई थिंक लव से कुछ ज़्यादा दिल उठ गया है सारे फिल्म मेकर्स का, तो आई थिंक सब वापस आ रहा है, वो दिल वापस आ रहा है, लौट रहा है। इस साल हमने काफ़ी कुछ प्रेम कहानियाँ देखी हैं, चाहे वो रामलीला हो या शुद्ध देसी रोमांस हो या ये जवानी है दीवानी, ये लव स्टोरी तीनों फिल्में चली हैं बॉक्स ऑफिस पे, तो मुझे लगता है कि शायद रिटर्न ऑफ रोमांस होने वाला है। वेल करण, वी होप आप भी बहुत जल्द कोई रोमांटिक फिल्म बनाएंगे। फॉर चेतना सिंह, जूम मुंबई। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भले ही रणबीर कपूर को अपना अच्छा दोस्त कहती हैं, लेकिन रिसेंटली जब दीपिका से एक इवेंट पर मीडिया ने रणबीर कपूर के बारे में बात करने की कोशिश की तो कुछ ऐसा था उनका रिएक्शन। कोरियोग्राफर श्यामक डावर के स्पेशल शो को देखने आए दीपिका पादुकोण और मिथुन दा, और श्यामक के डांसिंग स्किल्स को सभी स्टार्स ने काफी प्रेज किया। I adore him as even as a gentleman. Plus, after Marzi, Shamak, my children also with him learning. मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ आई। बहुत सालों से मैं शामक से कह रही थी कि जब भी ऐसा कुछ होता है प्लीज़ मुझे बुलाइए, एंड फाइनली मुझे मौका मिला बिकॉज आई लव डांस, एंड फॉर मी इवन एज एन आर्टिस्ट आई थिंक इट गिव्स मी द अपॉर्चुनिटी टू लर्न सो मच। आज जिन्होंने भी परफॉर्म किया देव ऑल बिन यू नो देर ऑल हिज न्यू स्टूडेंट्स, देव बिन ट्रेनिंग ओनली फॉर वन ईयर, बट टू मी इट सीम लाइक देव यू नो प्रोफेशनल डांसर्स हू बिन डांसिंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स। So I think I learned a lot, and there was a message through dance as well. And I hope I get the opportunity to come to a lot more of these events. वहीं यहाँ जब शामक से डांसिंग के अलावा पूछा गया कि if given a chance to direct one actor, who would that be? Ranbir. Also, he doesn't mind to cast Deepika for his film. If she wants to star in my film, of course I will. But I have to have a role for her first. वहीं मिथुन दा ने उनकी next film Kick with Salman, जहां वो सलमान के पिता के रोल में नजर आएंगे, उस पर भी बात की, पर ज्यादा कुछ रिवील करने से मना कर दिया। Already shooting करके आ गया हूँ, अभी फिर जा रहा हूँ करने, वहाँ से आ रहा हूँ। कैसे रहा ये shoot आप उनके साथ आपका? ये सब तो अभी बोलना है लीगली सही नहीं होगा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लिखा। चलिए मूविंग बैक टू दीपिका, यहाँ उनसे पूछा गया सवाल कि इतना टॉप पर होने के बावजूद उनके एक्स रणबीर ने कैटरीना कैफ को टॉप एक्ट्रेस का खिताब दिया, नॉट कंसीडरिंग हर एज द चॉइस, तो देखिए दीपिका ने दिया क्या जवाब। वहीं जब रिसेंटली रणबीर कपूर गॉट इनटू अ फियास्को विद द मीडिया, क्या उसके बारे में दीपिका कुछ जानती है? Well, लगता है दीपिका इज नो मोर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन रणबीर कपूर्स लाइफ, तभी तो इतने स्मार्ट एंड सेफ आंसर्स दीपिका दे रही है। चलिए keeping this topic aside, let's know from Deepika about her New Year plans. I have absolutely no plans. My family that I haven't spent any time with for the last 2 years, I'm finally going to catch up with them. So extended family, my parents, my sister, they're all coming to Bombay and I'm going to be here because then I have to start working. That means Deepika won't be welcoming the New Year in a grand way. But we hope ki next year bhi aapke liye usi tarah lucky ho jaise ye saal tha. For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. एक्टर उदय चोपड़ा नरगिस फाखरी के लिए भले ही सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं, लेकिन जब हमने उनसे नरगिस के साथ उनके रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश की तो देखिए कैसे उदय डिप्लोमेटिक आंसर्स देने लगे। उदय चोपड़ा और नरगिस फाखरी के अलेजेड रिलेशनशिप की कितनी खबरें गॉसिप की गलियारों में सुनने मिली है ये तो आप सबको याद ही होगा, और अब इस पर उदय चोपड़ा आ गए हैं जूम के सामने अपना क्लैरिफिकेशन देने। नरगिस मेरी फ्रेंड है और उससे उसके अलावा और कुछ नहीं है, और मैं कुछ और बोलना भी नहीं चाहता हूँ। उदय और नरगिस की ग्रोइंग फॉन्डनेस देखकर रूमर्स तो ये तक उड़े थे कि उदय जल्द ही शादी करने वाले हैं। उन रूमर्स को भी उदय ने ये कहकर गलत बता दिया। कोई सच्चाई नहीं है, पहले तो ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ इसमें, लेकिन नरगिस मेरी फ्रेंड है और उससे उसके अलावा और कुछ नहीं है, और मैं कुछ और बोलना भी नहीं चाहता हूँ। जहाँ पे शादी की बात आती है, मैं शादी इस वक्त नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पैर पे खड़े हो जाना चाहता हूँ, अपनी कंपनी बनाना चाहता हूँ, उसके बाद जाके देखूंगा उस वक्त के अगर कोई है मेरी जिंदगी में तो शादी कर लूंगा। Well, we hope उदय आप अपने पैरों पर जल्द से जल्द खड़े हो जाएं and settle down very soon. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai.
रिसेंटली खबर आई थी कि रोहित शेट्टी और शाहरुख खान फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल पर जल्दी काम कर सकते हैं और इस फिल्म का नाम पंजाब एक्सप्रेस हो सकता है। और जब इस न्यूज पर हमने SRK का रिएक्शन जानने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को लेकर खबर आई थी कि इस फिल्म के सीक्वल का नाम पंजाब एक्सप्रेस हो सकता है और इस फिल्म पर रोहित और शाहरुख हैप्पी न्यू ईयर के बाद काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन कल जब एक इवेंट पर शाहरुख से इस फिल्म को लेकर एक सवाल पूछा गया तो शाहरुख ने इस तरह की किसी भी फिल्म पर काम करने की खबर से इनकार कर दिया। सर, ऐसी खबर आ रही थी कि पंजाब एक्सप्रेस बन रही है, बट रेपुटेशन ऑफ हीरोइन नॉट नेवर डन इन बॉलीवुड बेसिकली। देयर इज नो फिल्म लाइक दैट यार। बट आई वांट अ बिग डिपेंड ऑन सो फॉर बट पंजाब एक्सप्रेस आई हैव नॉट हर्ड ऑफ अ फिल्म कॉल्ड पंजाब एक्सप्रेस। Rohit said it. Yeah. He must be joking with you. Yeah. Well, शाहरुख ने इस पूरी न्यूज को एक मजाक का नाम दे दिया। वैसे जूम ने जब चेन्नई एक्सप्रेस की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से भी इस फिल्म के सीक्वल के बारे में एक सवाल पूछा तो उन्होंने भी इस तरह की न्यूज को गलत बता दिया। वैसे शाहरुख और रोहित दोनों ने ही कहा है कि वो इस फिल्म का सीक्वल बनाएंगे, लेकिन लगता है अभी तक इस सीक्वल पर दोनों स्टार्स ने काम शुरू नहीं किया है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रणबीर कपूर किस फिल्म में बिग बी के साथ आएंगे नजर और साथ ही दिखाएंगे फिल्म जैकपॉट के स्टार सनी लियोनी और सचिन जोशी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सलमान खान के रियलिटी शो से बाहर आते ही एक्ट्रेस एली अब्राम के भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। सोर्सेस की माने तो एली अब एक इवेंट को अटेंड करने के लिए कम से कम 25 लाख रुपीस की डिमांड कर रही है, जो आजकल की न्यू कमर एक्ट्रेसेस श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट से भी ज्यादा है। फिल्म बेशर्म के बॉक्स ऑफिस डिबाकल के बाद अभिनव काश्यप फिर से एक फिल्म पर काम शुरू करने जा रहे हैं और अभिनव की ये अपकमिंग फिल्म हार्डकोर पॉलिटिकल थ्रिलर होगी और ये फिल्म बिहार के एक फेमस पॉलिटिशियन की लाइफ पर बेस्ड होगी। रिसेंटली करीना ने अपने एक बयान से सबको चौंका दिया था। करीना ने कहा था कि बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने के लिए एक्टिंग से ज्यादा जरूरी चीज है अच्छा दिखना और बेबो के इस बयान को सैफ अली खान ने डिफेंड भी किया है। सैफ का कहना है कि बेबो ने ये बात इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए कही है और ये बात किसी भी तरह से गलत नहीं है। खबरों की माने तो कल रात हुए फिल्म जैकपॉट के प्रीमियर के लिए फिल्म के डायरेक्टर कायजाद गुस्ताद ने एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को इनवाइट किया था, लेकिन कैटरीना कैफ इस प्रीमियर पर नहीं पहुंचे। हम आपको बता दें कैटरीना ने कायजाद की फिल्म बूम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज के दौरान शुरू हुई कंट्रोवर्सी की वजह से शाहरुख और एकता कपूर के बीच प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन अब एकता के डैड जितेंद्र का कहना है कि उन्हें शाहरुख से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सारी पुरानी बातें भुला चुके हैं। खबरों की माने तो बिग बी स्टारर फिल्म भूतना 2 में रणबीर कपूर एक स्मॉल केमियो रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में रणबीर एक स्पेशल सॉन्ग पर बिग बी के साथ डांस करते हुए भी दिखेंगे। रणबीर के लिए बिग बी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने का ये पहला मौका होगा। अक्षय कुमार स्टारर गब्बर से श्रद्धा कपूर के वॉकआउट करने के बाद अब इस फिल्म के मेकर्स को जल्द से जल्द एक एक्ट्रेस की तलाश है, क्योंकि स्केड्यूल के मुताबिक फिल्म की शूटिंग जनवरी 2014 में शुरू होनी है और सोर्सेज का कहना है कि ज्यादातर एक्ट्रेसेस की डेट बुक्ड होने की वजह से इस फिल्म के मेकर्स को एक्ट्रेस नहीं मिल पा रही है। एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म आर राजकुमार को सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और शाहिद कपूर इस बात से काफी खुश है। शाहिद की ये पहली ऐसी फिल्म है जिसने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में मल्टीप्लेक्स से ज्यादा अच्छा बिजनेस किया है और शाहिद का कहना है कि वो अब इस तरह की मसाला एंटरटेनर फिल्म्स आगे भी करते रहेंगे। एक्टर सनी लियोनी और सचिन जोशी अपनी फिल्म जैकपॉट को प्रमोट करने पहुंचे जूम के ऑफिस और यहां इन दोनों स्टार्स ने हमसे अपनी फिल्म के बारे में की एक्सक्लूसिव बात। गो टेक अ लुक। Hi Sunny, hi Sachin, welcome to our show. Thank you. Hi madam. You know, you've been saying that Sunny Leone is like a child. I want to know, where does that come from? Oh, well, that's what I got to see really? While shooting. Yeah. All that pranks, all that video making, taking everybody for a ride all around the set. So I think, I guess that's childlike and which is nice. Yeah, yeah. Tell me, both of you, how did this film Jackpot come about? Well, for me, we were at dinner and Kezad sir came and he said, I have the script, I really want you to read it. Mm. Go home, read it from start to finish, don't put it down. And that's exactly what happened when I went home. I started reading this and I didn't put it down until I was finished. And then the next morning I told him, yes sir, I like your script I want to do your film. What would you say? Well, the same thing. The script was quite interesting. The first reading that I had with Kezad, it was so intriguing for me. It had, from the moment the word go, we were on board. Yeah. And
not just me, not just Sunny, but Naseer Saab, whether it was Bharat or whether it was Makarant, anybody who's come on board as actors with this film have purely come for its script, because I think that's the biggest strength of the film. Yeah. You know, talking about Naseer Saab, I mean, he is an iconic actor. How was experience working with him? Did it give you jitters? Initially, yes. Yeah. I mean, that little nervousness, that it was a little timid initially, but then once you started working with him, once you started improvising and learning with him, and the kind of inputs that he brought on board, all of that really worked, and it never felt like that anymore after that. Yeah. What about you, Sunny? Well, of course, being on the same screen as somebody like him is always, you know, the most amazing thing for a new actor or a new actress. And for me, I don't get like starstruck really, but for him, I just said, sir, if there's any advice that you can give me, if I look horrible on screen or if you think I'm doing a bad job, please tell me. I'll take it. Yeah. It won't bother me at all. I won't take it personally. Yeah. You know what I mean? So just to be able to get some sort of advice, and he just like laughed at me, patted me on the back, and we started our scene together. My director Kezad Gustad, he's done some, you know, his Boom was his film, and it was a much controversial and talked about movie. Have you seen all of that? I've seen Boom. Yeah. Yes, I've seen Boom, and I think better than Boom, I enjoyed Bombay Boys, which was his first film. He's a bit eccentric as a man. His approach is different towards films and writing and everything that he wants to do. So. It works for him, it works for the audience. I mean, there are all kinds of people in the world. He's really an interesting type of person and how he approaches his whole way of filming, too. Something that a lot of people don't know, and we didn't necessarily like it while it was going on, is he doesn't let us watch any playbacks. Why? Wow. Why? No, that's his way of thinking. It's his school of thought that... I don't want my actors to see what they've done. It was great talking to both of you. Thank you so much and wish you all the best for this one. Thank you. Thank you, Madhurita. Recently, film Jackpot ka premiere rakha gaya aur is film ke premiere par kai bade Bollywood stars aaye nazar. Go take a look. शाहरुख खान ने सचिन जोशी के साथ अपनी दोस्ती हर बार निभाई है। इस बार भी सचिन जोशी के जैकपॉट प्रीमियर पर शाहरुख खान पहुंच ही गए। सचिन has been an old friend and always been there for me and I'm one of the few people or the closer people who encouraged him to go ahead and make films. I like people making films as actors, as directors, as producers and I'm glad the kind of cinema that he's been producing or been part of has been extremely classy and nice. Well, शाहरुख खान ने यहां भी अपना witty sense of humor नहीं छोड़ा। Sunny is a wonderful actor, so is Sachin and Kaisad and everyone, Naseer Bhai of course, and I wish them all the best. So don't make them feel that they're in the presence of a star who's done it and they still have to do it. I think all of them are waiting. Khans ke saath kaam karne ki Sunny Leone ki wish puri hogi ya nahi, iske baare mein jab humne industry ke King Khan se pucha, to suniye unhone kya kaha. Without deriding or saying anything, I mean, I'd say with all my love, I've never been part of casting my films. The directors cast the film, but if there is a film, that I'm fortunate enough to work with Sunny, I would be only too happy. शाहरुख के बाद जैकपॉट प्रीमियर की सेकंड बड़ी हाइलाइट रहे फिल्म के डायरेक्टर कायजाद गुस्ताद, जिनसे कैटरीना के एब्सेंस के बारे में पूछा गया। I don't know if Kat was here, good for her. I don't know. I believe Mr. Shahrukh Khan is here, so that's good. बता दें कि कैटरीना ने कायजाद की फिल्म बूम में काम किया है और यही वजह रही कि कायजाद ने कैटरीना को भी प्रीमियर के लिए इनवाइट भेजा था। आइए अब आपको सनी लियोनी और सचिन जोशी से भी मिला ही लेते हैं, जिन्होंने अपने फिल्म के बारे में ये कहा। My expectations are just that I hope that people see this movie and say yes, Sunny, you did a better job in this movie than your first movie. So those are my personal expectations. Well, मैं समझता हूँ, life itself is a jackpot for me. I guess no complaints from life. But success is considered to be a jackpot and I hope with this film I hit my jackpot. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Recently, Hyderabad mein hua Clean and Clear Hyderabad Times Fresh Face ka finale. More on this coming up next. Clean and Clear Hyderabad Times Fresh Face ka recently held hua grand finale jo raha kafi successful, wherein many young contestants showcased their talent. In contestants ko yahan judge karne pahunche famous Tollywood actors Rakul Preet Singh and Prince, and ace fashion designer Shravan Kumar. The six winners of this contest will now participate in the final round of Clean and Clear Times Fresh Face, and those who win the finale round will get a chance to feature in the Clean and Clear ad campaigns.
हमने यहाँ डिजाइनर श्रवण कुमार और एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह से उनके जजिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात की. Listen to what they have to say on this. I think most of them who were here were very talented. I thought most of the children out here have only beauty. They do not have brains, but they actually proved me wrong. They have loads and loads of beauty with the right amount of brains and awesome talent. Well, I think experience was great, and I'm really happy to be a part of this event and to be able to judge such great talent. And more so, I think I enjoyed the talent round the most, because the way these people dance and the way they the guy who acted, I think each one of them is unique, and it was a lot of fun to be here. Clean and Clear Hyderabad Times Fresh Face ke winners also shared their excitement with us. I think the experience was really good, you know, people coming and selecting students from the college and then going on to the respective levels. So it's really good, and I felt really good. I think the Clean and Clear has taken an amazing initiative to get talented people out of the college and, you know, expressing themselves. It was amazing. I was just a simple girl. They just took me, they just dressed me up in all peppy clothes, and I just sang, I just sing. It was just simple, and it feels amazing. Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin. And that's the reason why Clean and Clear has come up with a unique concept of confidence meter, which is a scale to measure the confidence score. Aur Hyderabad ke finale round mein bhi, judges ne contestants ke confidence ko kiya judge. And based on that, yahan se 6 winners ko kiya gaya select. For more on Clean and Clear Times Fresh Face, keep watching Planet Bollywood News every day at 7 p.m. and Be Tonight from Monday to Friday at 10 p.m. Only on Zoom, India's number one Bollywood channel. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस वीक रिलीज हो रही फिल्म्स की डिटेल्स हमारे खास सेगमेंट फिल्मी फीवर में, और साथ ही दिखाएंगे धूम 3 के सॉन्ग कमली के बिहाइंड द सीन्स की एक खास झलक. बॉक्स ऑफिस पर इस वीकेंड आप देख सकते हैं कौन सी फिल्म और किस फिल्म को लेकर ऑडियंसिस के बीच में है मैक्सिमम बस. आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट फिल्मी फीवर में. इस फ्राइडे फिल्मी फीवर में सबके टेम्परेचर को भड़काने सनी लियोनी लेकर आई है अपनी फिल्म जैकपॉट. इस फिल्म में सनी के ऑपोजिट सचिन जोशी है, एंड इवन नसीरुद्दीन शाह इज अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. जैकपॉट की प्रमोशंस तो इतना बस नहीं क्रिएट कर पाई थी, लेकिन सनी लियोनी की इस सेकंड फिल्म से सनी के मेल फैंस को काफी एक्सपेक्टेशन है. इस फिल्म में सनी की एक्टिंग की तारीफ की जा रही है. सचिन एंड सनी आर प्लेइंग कॉन आर्टिस्ट इन द फिल्म. देखना यह है कि जैकपॉट बॉक्स ऑफिस पर जैकपॉट जीत पाती है या फिर नहीं. Second film, which released this week, is What the Fish. Dimple Kapadia ki is film mein kuch zyada hi mess dikhaya gaya hai. And the script of this film too has a lot of loopholes. Promotional level par to Dimple ne kaafi attention gain karne ki koshish ki by being in the skin of her character. Film ke baaki star cast ki baat kare, to is film mein itne characters hone ki wajah se What the Fish expectation par khari nahi utri. To get the detailed review of films which release every week, don't forget to watch the Zoom review show every Friday at 8 p.m. Bureau Report, Zoom, Mumbai. फिल्म जैकपॉट में सनी लियोनी के साथ नजर आ रहे एक्टर सचिन जोशी ने अपने एक बयान से सबको चौंका कर रख दिया. आप भी देखिए ऐसा क्या कहा सचिन ने. सचिन जोशी और सनी लियोनी स्टारर जैकपॉट इस वीक रिलीज हो रही है, पर क्या इस फिल्म को करने के लिए सचिन को अपनी वाइफी डियरेस्ट से इजाजत मिल गई थी. एज लुकिंग एट सनी लियोनीज पास्ट, शी वाज एन अडल्ट स्टार बिफोर शी जंप्ड इनटू बॉलीवुड. चलिए सचिन से खुद ही जानते हैं कि उन्हें उर्वशी का अप्रूवल कैसे मिला. वो खुद एक्ट्रेस हैं, रह चुकी हैं, उनको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे चलती है, क्या होता. बट एज अ वाइफ बहुत इनसिक्योर है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है जी. तो शी इज ऑलवेज शी वाज इनिशियली इनसिक्योर, बट आई थिंक वंस वी हैड अ चैट इट वाज ऑल ओके. वेल उर्वशी वाज अ बिट इनसिक्योर ऑन हियरिंग सनीज नेम एट फर्स्ट, बट लेटर ऑन शी ड्वेल्ट इन वेल. वहीं सचिन को कई लोगों ने सजेशन दिया खुद का व्हेन ही प्लान टू गेट सनी लियोनी ऑन बोर्ड. खुद रिवील कर रहे हैं सचिन. वेल हर कोई उम्मीद करता है, जिसको भी पता चला कि सनी लियोन मेरे फिल्म में, तो अच्छा अब ये होगा, अच्छा अब ये नहीं होगा. तो सभी लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया, किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा. बट आई जस्ट नो वन थिंग, दैट शी इज़ अ नेचुरल एंड आई थिंक शी इज़ वेरी सेक्सी, वेरी टैलेंटेड. लेकिन काम भी बहुत किया उन्होंने, मेहनत भी बहुत किया. तो ऑडियंस इज गोइंग टू गेट टू सी, बिल्कुल निराश नहीं होगी कि सनी लियोन से वो एक्सपेक्ट करते हैं. लेकिन
उसके अलावा जो सरप्राइजिंग फैक्टर होगा उनका टैलेंट, उनकी एक्टिंग स्किल, वो बहुत देखने लायक होगी। सचिन इज ऑनेस्ट ऑन हिज पार्ट एंड इवन आफ्टर गेटिंग सो मेनी थिंग्स टू हियर ही रादर चूज टू स्टिक टू हिज चॉइस ऑफ सनी लियोनी एंड हैड नो ऑब्जेक्शंस वर्किंग विद हर। वी आल्सो होप कि सचिन की तरह बॉलीवुड के दूसरे एक्टर्स भी उन्हें एक्सेप्ट कर लें। फॉर रुद्रानी चट्टुराज, Zoom, Mumbai. Watch the second episode of Kellogg Special K presents Gold's Gym Fit and Fab 2013, co-sponsored by Splenda and Reebok and powered by WWE on 15 December at 8 p.m. only on Zoom. And for now, tune into the story to get a gist on the same. अब हम आपको देने जा रहे हैं केलॉग स्पेशल के प्रेजेंट्स गोल्ड्स जिम फिट एंड फैब 2014 को स्पॉन्सर्ड बाय स्प्लेंडा एंड रीबॉक एंड पावर्ड बाय WWE के एपिसोड 2 की कुछ हाइलाइट्स। एपिसोड 2 में दिखाया जाएगा WWE राउंड वेयर गर्ल्स नीड टू फिनिश फ्यू फिजिकल एक्टिविटीज इन अ सर्टेन मैनर। ऑल्सो देयर विल बी अ साड़ी ड्रैपिंग कॉन्टेस्ट वेयर ऑल द गर्ल्स विल शोकेस देयर साड़ी ड्रैपिंग स्किल्स। Well, ये तो हमने एक छोटा सा टीजर आपके सामने पेश किया है। To know all about Kellogg's Special K presents Gold's Gym Fit and Fab 2013, co-sponsored by Splenda and Reebok and powered by WWE, do not forget to tune in on 15 December at 8 p.m. only on Zoom, India's number one Bollywood channel. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रीकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पांस। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रीकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। शाहिद कपूर की रीसेंट रिलीज आर राजकुमार को सिंगल स्क्रीन्स में काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सुनने में आया है कि इस बात से शाहिद कपूर काफी खुश हैं और उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि बैक टू बैक कई फिल्मों के फ्लॉप होने से शाहिद के करियर का खराब मौसम चल रहा था। लेकिन प्रभुदेवा के डायरेक्शन में बनी मसाला एंटरटेनर आर राजकुमार सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस को पसंद आ रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म ने मल्टीप्लेक्सेस के मुकाबले सिंगल स्क्रीन थिएटर्स से ज्यादा कमाई की है। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म गब्बर से श्रद्धा कपूर के वॉकआउट करने के बाद फिल्म के मेकर्स की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि डेट्स फ्री न होने की वजह से अब तक अक्षय के ऑपोजिट कोई भी एक्ट्रेस फाइनल नहीं हो पाई है। वहीं सुनने में आया है कि जनवरी 2014 में इस फिल्म के फ्लोर पर जाने की पूरी तैयारी पहले ही हो चुकी है। ऐसे में एक्ट्रेस न मिलने पर अक्की को अपनी फिल्म शुरू होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। खबर है कि बॉक्स ऑफिस पर आई सनी लियोन की फिल्म जैकपॉट की रिलीज से पहले मुंबई में रखे गए फिल्म के प्रीमियर में कैटरीना कैफ को खास तौर पर इनवाइट किया गया था, लेकिन कैटरीना इस इवेंट पर नहीं पहुंची। बता दें कि जैकपॉट के डायरेक्टर के साथ फिल्म बूम से कैटरीना कैफ ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। सनी लियोन और सचिन जोशी स्टारर जैकपॉट के मुंबई में हुए प्रीमियर के मौके पर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान फिल्म की स्टारकास्ट को सपोर्ट करने पहुंचे। शाहरुख ने यहां मीडिया से बात की और सनी लियोन और सचिन जोशी को उनकी फिल्म के लिए बेस्ट विशेस दी। वहीं सलमान खान के यंगर ब्रदर सोहेल खान भी इस मौके पर नजर आए। सोर्सेस से पता चला है कि थर्सडे 12 दिसंबर को साउथ इंडियन सुपरस्टार रजनीकांत के बर्थडे के मौके पर शेड्यूल कोचरिया का म्यूजिक लॉन्च इसीलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि रजनीकांत को फिल्म का म्यूजिक पसंद नहीं आया। दरअसल कोचरिया रजनीकांत और दीपिका पादुकोण स्टारर एक बड़ी फिल्म है। फिल्म पर रजनीकांत करीब पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। उदय चोपड़ा ने रिसेंटली गॉसिप में रहे उन रूमर्स पर सफाई दी है जिनमें कहा गया कि वो आजकल एक्ट्रेस नरगिस फाकरी को डेट कर रहे हैं। उदय का कहना है कि नरगिस उनकी सिर्फ फ्रेंड है। वहीं शादी के सवाल पर उदय का कहना है कि पहले वो अपना करियर सेटल करना चाहते हैं। दीपिका पादुकोण का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि करण जौहर के शो में करीना ने रणबीर कटरीना के रिश्तों को लेकर क्या रिमार्क किया है। रिसेंटली उनसे करण के शो में बार बार उठ रहे रणबीर कटरीना के लिंकअप के टॉपिक के बारे में पूछा गया तो दीपिका ने कमेंट करने से इनकार कर दिया। करीना कपूर और ऋतिक रोशन स्टारर अपकमिंग फिल्म शुद्धि एक रोमांटिक फिल्म होगी। जूम पर एक्सक्लूसिवली ये ऐलान खुद करण जौहर ने किया है। दरअसल करण जौहर अपनी इस फिल्म से जुड़ी सारी बातें फिलहाल अंडर रैप रखना चाहते हैं। अब तक सिर्फ ये खबर बाहर आई है कि शुद्धि को अग्निपथ के डायरेक्टर करण मल्होत्रा डायरेक्ट करने जा रहे हैं।
लेकिन जूम पर करण ने बता दिया है कि शुद्धि से सिल्वर स्क्रीन पर इंटेंस रोमांस की वापसी होगी। करण के शो पर करीना कपूर की कही हुई बातों को भले ही कुछ लोग मजाक समझ रहे हों, लेकिन करीना अब भी अपनी बोली हुई बातों पर कायम हैं। उनका कहना है कि शो पर उनकी कही हुई ज्यादातर बातें सही हैं और उन्होंने जो भी कहा है सिर्फ अपने दिल से कहा है। करण जौहर के शो से उठी बातों का सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म जय हो के फर्स्ट लुक लॉन्च पर जमकर मजाक बनाया है। दरअसल रिसेंटली करण के शो पर करीना की रणवीर कटरीना का मजाक बनाने वाली बातों के बाद मीडिया ने वही बातें जय हो के इवेंट पर सलमान खान से पूछ डाली, जिन पर सलमान ने ऐसी बातें पूछने वालों का जमकर मजाक बनाया। और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पांस। Who do you think should be held responsible for Katrina Salman's breakup? This was our today's Twitter question for our tweeples. Let's take a look at the tweets. It's Katrina herself. She used Salman till she became a star and left him when she came close to Ranbir. It definitely would be Salman Khan, because Salman, as we all know, is too possessive, arrogant and disrespectful towards his girlfriends. In a relationship, both are equally responsible. You can't put blame on one person. I think Salman, because he felt insecure with Katrina working with Ranbir. I guess they can become best partners, but of course. I think it was both Katrina's and Salman's fault for their breakup. They both just drifted apart from each other. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में हम कल फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.